इस वीडियो में हम लोग कुछ लघु उत्तरी प्रश्नों को देखेंगे। वर्क इंसेक्टा के 4 उदाहरण दीजिए। तो वर्क इंसेक्टा जो है तो इसका आंसर है घरेलू मक्खी। तो घरेलू मक्खी को जो है इसका जूलॉजिकल नेम है मशका नेब्यूला। दूसरा है तिलचट्टा। तो तिलचट्टा को कहते हैं पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, ये इसका जूलॉजिकल नेम है। नेक्स्ट है चींटी। तो चींटी आंट आंट को फॉर्मिका से बोला जाता है। नेक्स्ट है मधुमक्खी। तो मधुमक्खी जो वो एपिस इंडिका यानी कि हनी बी एपिस इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ आर्थ्रोपोडा की सफलता के मुख्य 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो आर्थ्रोपोडा की सफलता के 2 कारण बताने हैं। तो ये है काइटिन का बना बाह्य कंकाल, और नेक्स्ट है जोरदार उपांगों की उपस्थिति, और नेक्स्ट है श्वसन अंगों को का आवश्यकता अनुसार विशिष्टीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलचट्टे के लैंगिक द्वैरूपता दर्शाने वाले कौन से लक्षण हैं। तो नर तिलचट्टे में 90 उदरखंड में 1 जोड़ी गुद कंठिकाएं यानी कि एनल स्टाइल्स हैं। तिलचट्टे में 7वां स्टर्नम नौकाकार जनन आशय बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलचट्टे के रुधिर कौन सा श्वसन वर्णक पाया जाता है। तो तिलचट्टे का जो रुधिर होता है उसमें तो बताना है कौन सा श्वसन वर्णक होता है। तो तिलचट्टे के रुधिर में कोई भी श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलचट्टे के सिर शंपुट का निर्माण कितने खंडों से होता है। तो यह 6 भ्रूणीय खंडों से जो है इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकड़ी में कितनी जोड़ी पैर पाए जाते हैं। तो मकड़ी जो है उसमें 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है तिलचट्टे में श्वसन के लिए कौन सा अंग पाया जाता है। तो इसमें श्वेशनाल या ट्रेकिया जो है इसके द्वारा तिलचट्टी में श्वसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मच्छर में किस प्रकार का कायांतरण होता है। तो मच्छर जो होता है उसमें जो है पूर्ण कायांतरण यानी कि होलो मेटाबॉली और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, ये पूर्ण कायांतरण जो है मच्छर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मच्छर के लार्वा को क्या कहते हैं। तो मच्छर के लार्वा को रेगुलर, ये इंग्लिश में इस प्रकार से लिखेंगे रेगुलर कहते हैं। नेक्स्ट है मधुमक्खी के मुख उपांग किस प्रकार के होते हैं। तो मक्खी में जो है स्पॉन्जिंग टाइप के मुख उपांग पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 2 लाभदायक कीटों के नाम। तो 2 लाभदायक कीटों के नाम बताने हैं। तो मधुमक्खी ये एपिस जातियाँ, इससे हनी प्राप्त होता है। और दूसरा है रेशम कीट बॉम्बिक्स मोराई, तो इससे जो है सिल्क प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के लिए तो हानिकारक कीटों के नाम बताइए। तो हानिकारक बताना है एक टिड्डी है, इसे सिस्टोसरका बोलते हैं, और दीमक यूटर्मीज, ये दोनों ही हानिकारक हैं। नेक्स्ट है एनाफ्लुइज तथा क्यूलेक्स को आप किस प्रकार विभेदित करेंगे। तो ये वयस्क एनाफ्लुइज जो होता है वो सतह से 45 अंश का कोण बनाकर बैठता है, जबकि जो वयस्क क्यूलेक्स जो होता है वो सतह के जो है समानांतर बैठता है। तो इस प्रकार से जो है इन दोनों में की डिफरेंस है।